ओह यार तो क्या तुम लोग को मालूम है, तुम लोग का स्कूल बंद हो गया, तुम लोग घर पे हो, लेकिन मेरा प्रॉब्लम हो गया। मैं मेरे स्कूल में अटक गया, मैं स्कूल में अटक गया और स्कूल का गेट बंद हो गया। मैं 2 मिनट टॉयलेट को गया था, तभी जाके इन लोगों ने बोल दिया लॉकडाउन। फिर मैं हाथ धो के बाहर आया तो गायब थे सब लोग। इसलिए आज हमें करना पड़ेगा स्कूल एस्केप। लेकिन स्कूल एस्केप करने से पहले क्या तुम लोग को मालूम है, मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है और उस सर्वर पे 5 लाख मेंबर्स थे, अभी नहीं है। उसका क्या हुआ, थैनोस आ गया, उसने 5 लाख मेंबर्स में से कुछ 70,000 मेंबर्स को निकाल दिया। देखो थैनोस की एक चुटकी, ये थैनोस को बाल आ गए अइला। देखो थैनोस की चुटकी से 70,000 लोग निकल गए, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ से आप वापस ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से मेरा डिस्कॉर्ड का सी, मैं क्या लग रहा हूँ, फूल लग रहा हूँ, फूलॉस। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ। ये देखा तूने, पूरा बाल खराब कर दिया पागल। बोल तू बोलेगा अभी, बोल निकालने को जमता है तेरे को, बोल अभी। नमस्कार, मेरा नाम है एनीवे बहुत हो गया टाइम पास, अभी हमें स्कूल से एस्केप करने का है। आई थिंक हम लोग स्कूल के टेरेस पे आ गए ना। ये क्या है यहाँ पे, आई थिंक दरवाजे से नीचे जाना है क्या। रात के टाइम को मैं कैसे फंस गया रे स्कूल के अंदर। ओ नीचे देखो गाइज, नीचे वो बैडमिंटन का कोर्ट है, यहाँ पे शायद फुटबॉल का है। एक्चुअली मैं यहाँ से जंप मार के नहीं जा सकता। ये क्या है, वॉश बेसिन। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, दरवाजा खुल सकता है क्या, नहीं खुल सकता। यहाँ पे कुछ अंदर जाने के लिए कुछ नहीं है। आई थिंक मैं टेरेस पे अटका हूं। ओके ये देखो, यहाँ से नहीं जा सकते, इतना आसान थोड़ी होगा। आई थिंक इस रूम के अंदर कुछ तो है पक्का। आई होप कि ये स्कूल हॉन्टेड नहीं है, क्योंकि मैं क्या टाइम क्या, रुको मेरे फोन में रात के 3 बज चुके हैं और मैं रात के 3 बजे एक हॉन्टेड स्कूल में हूँ, जो मुझे मालूम नहीं हॉन्टेड है क्या, लेकिन तुम लोग को डराने के लिए बोल रहा हूँ। ये क्या है, रिपेयर एंड डिसएंचेंट। ये क्या लिखा है, एस, ये क्या है, S3 करके मुझे कुछ तो मिला, एक पेपर मिला जिसपे S3 लिखा है। इसका मतलब समझे था, समझे क्या, नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा। S3 का मतलब स्कूल 3, स्कूल का 3rd स्टैंडर्ड, ऐसे कुछ है क्या, दूसरा कुछ है क्या कहीं पे, क्योंकि ये जो पेपर था ना ऐसे जगह पे छुपा था जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं वहां पे क्यों नहीं जा पा रहा, अबे बारिश होने लगी, मैं भीग रहा हूँ गाइस, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। Did you see that? Thundering हो रहा है। मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ, इसके ऊपर जा सकता हूँ भाई। ये देखो मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट जंप करके एस्केप कर सकता हूँ, लेकिन मैं मर जाऊंगा। आई थिंक मुझे ना यहाँ पे जाना, ऊपर पक्का कुछ तो है, नहीं तो ऐसा। ये देखो यहाँ पे लीवर से कुछ तो खुला। आई थिंक ये दरवाजा खुला, यस ये दरवाजा खुल गया। इस चेस्ट के अंदर, चेस्ट इज लॉक्ड भाई, चेस्ट इज लॉक्ड, ऐसे थोड़ी होता है, चेस्ट इज लॉक्ड। अगर चेस्ट लॉक्ड है तो चेस्ट को खोलने के लिए हमें लगेगा चाबी, कुछ तो होगा। चेस्ट क्यों लॉक्ड है, यहाँ पे नीचे मुझे कुछ तो दिख रहा है, ये पक्का कुछ तो अलग। जेनरेटर की, इससे चेस्ट खुलेगा ना। कॉब वेब का मालूम नहीं क्या करना है। स्पाइडरमैन आया था यहाँ पे, वो भी इसी स्कूल का था, तुम लोग को नहीं मालूम स्पाइडरमैन और मेरा स्कूल सेम है। ये जेनरेटर की से मैं चेस्ट के अंदर है। ट्रॉवेल क्या होता है मालूम नहीं, टॉवेल मालूम है, क्रोबार है, गार्डनिंग शियर्स। आई थिंक ये जो है ना, ये लीवर है, कैन बी प्लेस्ड ऑन क्वार्ट्ज स्टेयर्स। ये क्वार्ट्ज स्टेयर्स, क्वार्ट, व्हाट, यहाँ पे लग गया और इसको दबाने से कुछ नहीं होता, होता है कुछ तो भाई। ट्रॉवेल क्या करता है, कैन ब्रेक लाइट ग्रे कॉन्क्रीट पाउडर, मेरे को समझ गया, क्या मैं इससे इस चीज को तोड़ सकता हूँ। आई एम सो इंटेलिजेंट। अब मैं यहाँ से अंदर जा सकता हूँ क्या, मैं स्कूल के अंदर आ गया। आई डोंट थिंक यहाँ पे दूसरा कोई रास्ता है, ये दरवाजा तो नहीं खुल रहा। आई थिंक नीचे से ही जाने का एक रास्ता है। नीचे क्या है, लाइब्रेरी और स्टडी रूम। लाइब्रेरी लेफ्ट को है और स्टडी रूम राइट को है। स्टडी रूम के अंदर कुछ तो होगा, ऐसा कोई तो सामान जिससे हम लोग निकल पाए स्कूल से। ये देखो दान पेटी, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी है। सॉरी कोई रूम है क्या यहाँ पे, ये क्या है, इन्फर्मरी। यहाँ पे ज्यादा सामान दिख रहा है, स्केलेटन का हेड भाई, स्कूल के अंदर स्केलेटन का हेड है। इसका मतलब समझे, समझाऊंगा बाद में। क्या लिखा है यहाँ पे, लाइब्रेरी, मेंटेनेंस रूम, इमरजेंसी एग्जिट है तो बताओ ना, एग्जिट करता है वहां से, किधर है, किधर, इमरजेंसी एग्जिट बंद है, नाइस। ये क्या है, फायर अलार्म मैनुअल, ये ले सकता हूँ क्या मैं, इन केस ऑफ फायर ब्रेक द ग्लास विद द प्रोवाइडेड ग्लास ब्रेकर। ग्लास ब्रेकर मेरे पास नहीं है। एंड पुश द फायर अलार्म बटन, देन द इमरजेंसी डोर्स विल ओपन ऑटोमेटिकली। अच्छा तो हमें फायर अलार्म का बटन दबाने का है, इससे इमरजेंसी एग्जिट खुलेगा, लेकिन ये बटन दबा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ग्लास है। इसको तोड़ने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि ग्लास ब्रेकर चाहिए। December 2020, फायर अलार्म सिस्टम वॉज ऑफलाइन रिस्टार्टेड फ्रॉम द यूनिट। तो मैं क्या करूँ, January 2021 ओके, February 2021 ओके, March 2021 ग्लास ब्रेकर मिसिंग। ये मुझे भी मालूम है, ग्लास ब्रेकर मिसिंग, ढूंढू कहाँ पे। लेकिन साइमन, आई नो इट वॉज यू अगेन हु स्टोल द ग्लास ब्रेकर, गिव इट बैक, द जैनिटर। फिर साइमन ने लिखा, कम एंड गेट इट एट माई डेस्क ओल्ड मैन। मतलब साइमन का जो डेस्क है, साइमन सेज क्या रे, साइमन के डेस्क पे है ये, है क्या, ये नहीं है, पर कुछ है क्या। ए P5 क्या है, मेरे पास S3 है और अभी P5 है। इसका मतलब समझे दया, नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, समझाऊंगा रुको। P5 और S3 हमारे पास दो आ चुका है। ये क्या है, कीप आउट, चलो अंदर। कीप आउट बोला ना, मुझे कीप आउट बोलते हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये साइमन का कमरा है यहाँ पे शायद। ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स टू जॉइन द हिडन वंस, कट टाइज टू योर पास्ट लाइक रॉक म्यूजिक, ब्रिंग योर ओन वॉटर।
कुछ नहीं समझा। साइमन का डेस्क हो सकता है लाइब्रेरी के अंदर और उसने उसके डेस्क में ग्लास ब्रेकर रखा है। ये क्या है यहाँ पे? फायर डिटेक्टर्स। ड्यू टू द स्टिल अननोन स्टूडेंट हु स्टार्टेड अ फायर लास्ट सेमेस्टर अ न्यू फायर डिटेक्टर हैज बीन इंस्टॉल्ड। ओ अच्छा, यहाँ पे ऊपर एक फायर डिटेक्टर है। भाई मुझे एक चीज नहीं समझी, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो ग्लास ब्रेक करने का है तो हमें आग तो लगानी पड़ेगी ना। कुछ तो होगा यहाँ पे, कोई बटन या इस पेंटिंग के पीछे कुछ किताबों के अंदर कुछ है क्या? रुको मैं वो साइड वापस जाता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। हर रूम में मुझे कुछ ना कुछ तो मिला लेकिन ऊपर कुछ तो है। ये क्या है? O4। एक मिनट, ये नंबर देखो 3 4 5 SOP सोप साबुन। यानी कि हमें इसका मतलब समझे ना या नहीं समझे? समझाऊंगा बाद में। साबुन साबुन के साथ कुछ तो करना है। बाथरूम का और एक कमरा था जो मैंने ठीक से देखा नहीं, ये वाला कमरा। ये क्या है? ये देखो यहाँ पे ऊपर कबर्ड्स है, यहाँ पे एम्प्टी ग्लास बॉटल्स है। आई थिंक ये केमिस्ट्री लैब है स्कूल का। यहाँ पे स्टिक्स है, इसके अंदर बॉटल्स, इसके अंदर E1 क्या है? SOPE सोपे। सोपे का मतलब मुझे नहीं मालूम भाई, क्या चालू कुछ समझ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे नीचे ये क्या है? ये यहाँ पे मैं नीचे जा सकता हूँ क्या? क्या मैं ऐसे अंदर जा सकता हूँ? इधर कुछ है। क्लासरूम, भाई सीक्रेट क्लासरूम है। क्लास रजिस्टर, ये सब बच्चों के नाम है। साइमन, अच्छा मतलब हम लोग साइमन के क्लास में आ गए हैं। ये क्या ऊपर? ये देखो और एक पेपर मिल गया। इस पेपर में क्या लिखा है? D1345 1 3 4 5 5 1 3 4 5 5। नहीं समझ में आ रहा मुझे। यहाँ पे कुछ है क्या जो मैं ले सकता हूँ? ये क्या है? साइमन्स लॉकर। ये देखो इसके अंदर ग्लास ब्रेकर है। भाई मिल गया साइमन, घर ही जाए सर। अभी ये ग्लास ब्रेकर लेके मैं जा सकता ना वहाँ पे? चलो जल्दी, किधर से जाना है? यहाँ से रास्ता है क्या कोई? हाँ यहाँ से रास्ता है, ग्लास ब्रेकर तोड़ने का और निकलने का। हो गया, चलो बाय बाय, सी यू, टाटा। नाइस यार, अभी इसको दबाते हैं। फायर अलार्म सिस्टम इज ऑफलाइन। आर यू सीरियस? इतना मेहनत मैंने किया, ये ऑफलाइन था सिस्टम? फायर अलार्म सिस्टम ही ऑफलाइन है तो पहले बोल लेगा ना, मैं इतना मेहनत ही लेता। भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऑफलाइन कर दे सिस्टम को, अभी मैं उसको ऑनलाइन कहाँ से करूँ? अच्छा ये देखो यहाँ पे एक लीवर है, इस लीवर को मैं दबा सकता हूँ। फायर अलार्म सिस्टम ऑनलाइन, लेट्स गो बॉयज। भाई चालू हो गया सिस्टम, अभी मैं जाके तोड़ेगा। बस हो गया, बहुत हो गया स्कूल में, मेरे को नहीं रहने का स्कूल में। अभी प्लीज काम कर। नो फायर डिटेक्टेड। नाइस, अभी आग भी लगाने का। पोपट पे पोपट हो रहा है यार, तोड़ के नहीं जा सकता क्या बाहर? क्या नाटक है इन लोगों का, हर चीज में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी फायर में जलाएगा, उसके बाद बोलेंगे भाई आग गरम नहीं है, गरम करके लाओ आग को। देखो मुझे समझ गया एक चीज, इधर लिखा है कि लाइब्रेरी में फायर डिटेक्टर है। मेरे हिसाब से फायर डिटेक्टर ये है तो हमें यहाँ पे कहीं भी तो आग लगानी है, लेकिन आग लगाने एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा था? ड्यू टू द स्टिल अननोन स्टूडेंट हु स्टार्टेड अ फायर लास्ट सेमेस्टर। यानी कि हमें वो बच्चे को ढूंढने का है, वो बच्चे ने आग कैसे लगाई होगी? मैं भी लगा सकता हूँ ना फिर, कुछ तो होगा यहाँ पे आग लगाने को। लाइब्रेरी के अंदर ये कुछ है क्या? इसको कुछ तोड़ सकता हूँ क्या? पेंटिंग को पेंटिंग के अंदर आ गया मैं। What? ये क्या है यहाँ पे? I accidentally lighted a fire in the library. अच्छा ये वो बच्चा है। Nobody suspects me, but I have to get rid of the flint and steel. ये चाहिए मुझे। मतलब इसने flint and steel कहीं पे तो फेंका होगा, जो मुझे ढूंढना है। आसान, लेकिन इसने कहाँ पे छुपाया है? I decided to hide the flint and steel in a locker with a numeric passcode. Oh, I hid 8 notes around the school in case I forget it each one in a different area. Dude, 8 codes, इसने 8 codes छुपाए हैं। मेरे पास 5 है। रुको रुको रुको, अगर मैं समझ गया समझ गया। ये देखो पासकोड का पहले पी आ गया, फिर पासकोड PASSC है क्या हमारे पास? CO है क्या? O है, OD है हमारे पास और E है, PASSCODE। यानी कि हमारे पास 3 पेपर मिसिंग है, तो ये 3 पेपर होंगे ना कहीं पे। तो मैंने सब कुछ देखा नहीं अब तक, पेपर तो होगा ना, पेपर ढूंढना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। कार्टोग्राफी टेबल के अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, पेपर कहाँ पे रखते हैं लोग? क्लासरूम में पेपर हो सकते हैं, मैंने पूरी तरह से देखा नहीं था क्लासरूम। यहाँ पे कुछ C1 यानी कि PASSC। ओके सी मिल गया। रुको और 2 पेपर चाहिए बस, उसमें से मुझे लग रहा है कि एक पेपर मुझे ऑलरेडी मालूम है। एस जो होता है, ये एस अगर 3 है तो ये वाला एस भी 3 होगा ना। मेंटेनेंस रूम के अंदर यहाँ पे मुझे एक ऊपर पेपर मिला था, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर है S3, अभी बोला मैंने S3 मिल गया। नाइस यार, एक और चाहिए बस। डूड आई एम सो गुड एट दिस, मैं डिटेक्टिव बनना चाहिए। ये वाला पेपर यहाँ पे कुछ होगा नहीं है। ये रूम के अंदर मुझे लग रहा है, ये रूम में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ मुझे मिला नहीं है यहाँ पे। पॉइजनस पोटैटो नहीं चाहिए, इसका क्या करूं मैं? यहाँ पे स्पाइडरमैन का जाली है। यहाँ मिल गया A7, भाई मिल गया। कहाँ पे डालना है वो कोड? रुको, कोड कहाँ पे डालने का होता है? आई डिसाइडेड टू हाइड द फ्लिंट एंड स्टील इन अ लॉकर विद अ न्यूमेरिक पासकोड। अच्छा लॉकर में डालने का है, समझ गया भाई। आई थिंक ये वाला लॉकर बंद है, इसके अंदर डालने का है ना। ये मेरे पास ब्लैंक की कार्ड है, हमारा कोड क्या है? 5 7 3 3 1 4
5153314511। आई होप ये काम करेगा। ये अगर मैंने इसके अंदर मिल गया भाई, लॉकर खुल गया। अभी मैं सब कुछ समझ गया, हो गया। अभी फ्लिंटन सील को लेने का है, लाइब्रेरी रूम में जाने का है, ऊपर चढ़ने का है, ये फायर डिटेक्टर के नीचे आग लगाने का है, फिर ये एक्टिवेट होगा और अब जाके इस बटन को दबा। डूड आई डिड इट। एनीवे बस हो गया आज के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मेरा जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है उसको ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करो ना ज्वाइन प्लीज। और अभी मैं निकलता हूँ और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।